अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर मुजम्मिल साहब। इनसे हम काफ सेक्शन के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसमें एक बच्ची या बच्चा पैदा हुआ है, उसमें हम क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं पैदा होने से दूध छुड़ाने तक, वीनिंग तक। जी डॉक्टर मुजम्मिल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब जो हैं ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जाने की और कुछ पाकिस्तान के अंदर भी, तो इनके कुछ सवाल थे। मैंने कहा चलें इनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, सबका फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने पूरी किताब में सवाल लिखे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको जो प्रोटोकॉल बताने जा रहा हूँ ये ए टू जी सारे बताऊँगा आपको। इसमें ऐसे है कि कुछ फॉर्म तो ऐसे हैं जो सारे प्रोटोकॉल कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो इसका कुछ हिस्सा कर रहे हैं। तो मैं आपसे टोटल डिस्कस करूँगा ताकि जो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है वो हम सारा आपके साथ भी शेयर करें, अपनी ऑडियंस भी शेयर करें। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं दूध की रूटीन पे आता हूँ कि दूध हम कैसे पिलाते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन एक सेटअप में कोई 80 से 90 बच्चे फीमेल्स हम पालते हैं। कुछ 7-8 सेटअप है तो मिला जुला के 500-600 बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम रेयरिंग प्रोसेस में चल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी प्रैक्टिस ये है डॉक्टर साहब, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कोशिश होती है कि आधे से पौने घंटे के अंदर उसको उसका दूध माँ का लाजमी दे दिया जाए। मैं दूध के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसको वोला कहते हैं हम। वोले में डॉक्टर साहब जो पहला वोला है वो हमारी कोशिश होती है कि वो जितना ज़्यादा पी ले, जितना पी ले। अगर मिसाल के तौर पे अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, अमूमी तौर पे एवरेज वेट है 35 किलो, उसका बॉडी वेट का 10% बनता है 3.5 किलो। ठीक है, हम 3.5 किलो नहीं, हम 4 भी पीता तो पिला देते हैं। ठीक है, अब पहले रन में पहले गो में अगर वो 2 किलो पी रहा है, 2.25 किलो पी रहा है, जाने दें। ठीक है, फिर 12 घंटे के बाद हम दोबारा पिला देते हैं। वैसे हमारे यहाँ चौवाई चूँकि 3 टाइम होती है तो हम बच्चे को 8-8 घंटे के बाद पिला रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ही ये दूध हम पिला देते हैं तो सिर्फ एक दिन बोला देते हैं बस, दूसरे दिन बच्चा दूध पे है। ठीक है जी, कुछ लोग क्या करते हैं हमारे सेटअप में 3 दिन तक बोला देते हैं। ये दोनों प्रैक्टिस चल रही हैं। मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बच्चे को उसकी माँ का दूध 3 दिन तक ला दें, क्योंकि आप जो 100-125 डेयरी फार्म वाला जो फार्म है वहाँ पे ये मैनेजेबल है। 3 दिन तक उसी की माँ का दूध लेके आएँ और 8-8 घंटे के बाद पिला दें। अच्छा, बच्चे को जिस्मानी वजन का अमूमी तौर पर 10% दिया जाता है, लेकिन हम अमूमी तौर पर इस फिक्र को 15% पर भी ले जाते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ 35 किलो का, उसको चाहिए 3.5 किलो दूध। ठीक है, हम उस बच्चे को 4.5 से 5 लीटर भी दे रहे होते हैं, देख लेते हैं कि क्या वो बच्चा इसको डाइजेस्ट कर पा रहा है। अमूमी तौर पे ज़्यादातर बच्चे डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर रहा, मतलब कैसे पता लगेगा उसको डायरिया हो जाएगा, तो उस बच्चे का हम दूध रोक देते हैं, 3.5 पर वापस ले आते हैं। ठीक हो गया, वो एक थ्रेशोल्ड सेट हो जाता है, वो जब आप बीच में रहते हैं आपको बच्चे को देख के आइडिया हो जाता है। अच्छा, इस दूध को बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही बच्चा 1 महीने का होता है तो हमारा टारगेट होता है हमने 6 किलो पर डे पे लेके जाना, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। फिर डॉक्टर साहब ये 6 किलो से हम ऊपर दूध नहीं लेके जाते, बच्चा मांगता है। बच्चा यहाँ पर 9 किलो भी पी लेगा लेकिन हम उसको 6 पे ही रखते हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारा जो टारगेट होता है दूध बहुत महंगा है। सबसे महंगा बच्चा पालना पहले 3 महीनों में, हमारा बच्चा 500 लीटर दूध तकरीबन पी जाता 3 महीनों में और 1 लीटर दूध 120 के हिसाब से 60,000 का दूध पीता 3 महीनों में। हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी जल्दी इसको वनडे पे शिफ्ट कर दें, जितना ये ज़्यादा वंडा खाएगा उतनी जल्दी मैं इसका दूध बंद कर दूँगा। अब 1 महीने से लेकर 2 महीने तक 6 लीटर कन्फर्म है, हम नहीं कम करते। लेकिन बच्चा ग्रो करता करता 1 महीने का बच्चा जो है वो 55 किलो के राउंड अबाउट चल रहा होता है, 2 महीने का जब बच्चा वो हो जाता है तो 75 से 80 kg तक का हो जाता है। अब 80 किलो का बच्चा जब वो 6 लीटर दूध पी रहा होता है तो वो 10% बॉडी वेट से कम बनता है, तब उसको भूख लगती है, फिर वो वंडा खाता है जिसको आप स्टार्टर बोलते हैं। अच्छा, 2 महीने के बाद जब वो 3रे महीने में दाखिल होता है हम उसका दूध कम करना शुरू करते हैं। कम करते करते हम उसको पहले 0.5 किलो कम किया, 6 किलो से कम करके 4.5 किलो दिहाड़ी का हो गया, 0.5 किलो फी टाइम। फिर हफ्ते के बाद उसको ए हमने कर दिया मज़ीद कम कर दिया, कम करते करते फिर एक टाइम स्किप कर देते हैं, तो ये 3 टाइम दूध पिला रहे ना, 1 टाइम उड़ा दिया बीच में से, तो ये 3 महीने पे हम बच्चे का दूध बंद कर देते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं जो बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं और उनकी ग्रोथ वैसे नहीं हो रही होती, उनको डॉक्टर साहब कोई 100 रीज़न है डॉक्टर साहब, किसी को डायरिया रहा, कोई हफ्ता डायरिया रह गया, किसी को नमूनिया का डर चका लग गया, कोई बच्चा पैदाइशी कमज़ोर आ गया, कई सारे रीजन हो सकती हैं।
उस बच्चे को जो थोड़ा सा अपने बाकी मेट से कमज़ोर है हम 4 महीने भी पिला देते हैं। हमारा टारगेट ये है गर्मी के मौसम में 100 किलो, सर्दी के मौसम में 115 किलो के हमने वीनिंग करनी होती है। तो ये तो हो गया दूध का हिसाब का पहले नंबर पे। अब दूसरे पे आ गया इसका फंडा। 7 दिन की उम्र पे हम अमूमी तौर पे बच्चे के आगे काफ स्टार्टर रख देते हैं और हम कोई बहुत हाई सीपी नहीं रखते। हमारा जो काफ स्टार्टर है हम उसकी सीपी 20% रखते हैं। यूरिया नहीं डालना, मैं आपको बता दूँ बच्चों के काफ स्टार्टर में यूरिया नहीं मिक्स करना आपने, ठीक है जी। अच्छा अब डॉक्टर साहब मसला ये है कि हर बंदे के पास काफ केज अवेलेबल नहीं है। ये बड़े बड़े फार्मों पे होते हैं, हमारे पास बच्चे इकट्ठे फिर रहे हैं। अब वो क्या से ता करेंगे यार, इसको समझा दें तू 7 दिन वंडा नहीं खाना, वो तो नहीं मानता बात को, इसलिए वंडा आगे पड़ा रहता है। हमारी चूँकि मजबूरी है, इतने सारे काफ केज नहीं है, तो 1 महीने की जो एज के बच्चे सारे इकट्ठे ही रह रहे हैं, तो जो 2 दिन वाला है, 4 दिन वाला है, 7 दिन वाला है, हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम 4-5 दिन उसको केज में रखें, क्योंकि कव्वे जो है ना ख़राब करते हैं, सुबह को आके पाँव नरम होते खाने शुरू कर देते हैं, उसके बाद बच्चे को तंग नहीं करते, ठीक है जी। अच्छा अब स्टार्टर जो है ये देना शुरू कर दिया, इसमें कोई तय नहीं है कि बच्चे को कितना डालना है, जितना दिल करता खा जाए। अच्छा। जितना ज़्यादा खाएगा उतना उसकी डिपेंडेंसी दूध पर कम होगी, उतना जल्दी ग्रो करेगा। अच्छा अब ये डॉक्टर साहब बढ़ता जाता है, यहाँ पे अगर हे मिल जाए आपको लूसन की तो बहुत अच्छा है। अमूमी तौर पे लोगों के पास नहीं होती, ना लूसन की हे होती ना रोड ग्रास की हे होती है। मैं कहता हूँ तूड़ी डाल लो यार, ठीक है जी, तूड़ी और स्टार्टर दे दो, खाने दो बच्चे को ऐसे ही। 3 महीने तक ये रूटीन ऐसे ही जाएगी और इस रूटीन से आप देखेंगे कि जब आप बच्चे को वीनिंग करेंगे ना, हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1.5 से 2 किलो भी खा रहे होते हैं कुछ बच्चे, ठीक है जी। दूध की रूटीन चूँकि ऐसे बनाई होती है, बच्चे का पेट भरता नहीं है तो वो वनडे को जुड़ जाता है। ये तो हो गया वनडे की रूटीन। यहाँ पे मैं याद करवा दूँ कि 5 से 6 महीने तक सब्ज चारा नहीं देते, पेट लटक जाते हैं, ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, कद रुक जाते हैं। सिर्फ हे और भूसा पे रखें, सिर्फ हे या भूसा या तूड़ी वंडा ही पाई चलो, आपको फ़ायदा होगा। आप देखेंगे हम जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं। अच्छा अब आगे इनके कुछ इंजेक्शन के प्रोटोकॉल हैं वो आ जाएँ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है AD3E का टीका, वो हम 1 से 1.5 cc बच्चे के वजन के हिसाब से उसको गोश्त में लगा देते हैं। हमारे पास डॉक्टर साहब फार्मों पे अल्लाह का शुक्र है ये चिचड़ों का मसला नहीं है। जहाँ पे चिचड़ किसी एक भी जानवर पे मौजूद हो हम वहाँ पे फार्मर को कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरे दिन ब्यूटालैक्स और तीसरे दिन इमिजोल लाजमी लगा दें। इमिजोल बच्चे को हमेशा खाल के नीचे लगाएँ, इंट्रा मसलर वाला जना मजाक ना करें, ठीक है जी। अच्छा अब आगे 7 दिन का बच्चा हो जाता है तो फिर उसको हम दे देते हैं आइवरमेक्टन, ठीक है जी। बच्चा जब पैदा होता है तो 2 ट्यूब्स का इस्तेमाल करवाते हैं, एक रोटा क्रोना ट्यूब है, बच्चे को अमूमी तौर पे आप देखेंगे ग्रीन कलर का डायरिया, डॉक्टर साहब ग्रीन कलर का डायरिया हो गया है तो आप देखेंगे बच्चे में रिकवरी बहुत थोड़ी आएगी। आप जितना मर्जी खप लें, शदीद जलालत के बाद अमूमी तौर पर ज़्यादातर बच्चे बहाल नहीं हो पाते, अगर कोई बहाल हो भी जाए तो उसकी ग्रोथ नहीं आती, तो रोटा क्रोना से बचना बहुत ज़रूरी है। तो रोटा क्रोना की ट्यूब पिला देते हैं और साथ एक ट्यूब है काफ प्रोटेक्ट, ये पिला देते हैं। ये 2 ट्यूब्स हैं, कुछ फार्म पे एक पिला रहे हैं, कुछ फार्म पे दोनों ही पिला रहे हैं। अच्छा अब आगे चले जाए डॉक्टर साहब, 15 से 16 दिन का जब बच्चा होता है तो हम उसको क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन करवा देते हैं, 15 से 10 बारवेक्टेन, ठीक है जी। 15 से 16 दिन पर बारवेक्टेन होती है। अब हर हफ्ते बाद हम वैक्सीन कुछ 5-5 दिन के वक्फे से करते हैं, कुछ हफ्ते के वक्फे से करते हैं। अच्छा अब 23 से 24 दिन पे कैटल मास्टर गोल्ड करवा देते हैं, वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन है। अच्छा इसके बाद डॉक्टर साहब जो नेक्स्ट वैक्सीन होती है, अगर तो बारवेक करवाई है तो HS की ज़रूरत नहीं है, HS शामिल है। अगर आपको वैक्सीन 10 करवा रहे हैं क्लॉस्ट्रीडिया की तो फिर आपको HS करवानी है 30 दिन पर। उसके 5 दिन के बाद डॉक्टर साहब हम करवा देते हैं उसको FMD। फिर डॉक्टर साहब ये जो मैंने टोटल वैक्सीन बताई हैं, हर वैक्सीन का तकरीबन 27 से 28 दिन पे बूस्टर उसी के हिसाब से लगाते जाते हैं, पिछली डोज से हाँ 1 मंथ बाद आप बूस्टर लगाई जाते हैं। अब यहाँ पे एक मैं और बताऊँ, एक फार्म था हमारे पास डॉक्टर साहब, वहाँ पे बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रहे थे 15 दिन से पहले। अच्छा। हम कैटल मास्टर गोल्ड कर रहे थे 25 दिन पे, उन फार्म्स पे डॉक्टर साहब हमने एक वैक्सीन की थी Enforce 3, उसमें पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस था, बोवाइन रेनोट्रैकाइटिस था, एक और था, आपको 3 वैक्सीन थी पैरा इन्फ्लुएंजा बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंसिटल सिंड्रोम, तो 3 थे उसमें ना। तो डॉक्टर साहब वो जो वैक्सीन है वो बच्चे को पैदा होने के बाद नॉस्ट्रिज में 1 ml इधर 1 ml इधर ये लोकल इम्यूनिटी देती है। अच्छा।
تو یہ ان جگہوں پہ جہاں پہ نمونیا کے شدید مسائل ہیں نا وہاں پہ میں لازمی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ دیں تاکہ بچہ اس میں اس سے بچہ نے ایک مہینہ سکون سے نکال جاتا ہے آپ کے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ہمارا جو پلان تھا جس کے بعد جو ہماری ویکسینیشنز ہوتی ہیں لمپی آ جائیں جن کی مدر کو لمپی کی ویکسین ہوئی ہے جس بچے کی ماں کو ہوئی ہے اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 6 مہینے سے پہلے کبھی بھی کروانی ہے بچے کی ایج کے 6 ماہ سے پہلے کبھی بھی کروا دیں 5 ماہ پہ کرا دیں 4 ماہ پہ کرا دیں پریگننٹ ہے اس کی مدر پریگننٹ ہے ابھی بچہ وہ پیدا نہیں ہوا اور اس کو ویکسین ہو گئی ہے بچہ پیدا ہو گیا اس نے ماں کا وولا پی لیا اب اس میں امیونٹی آ جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا اگر آپ کا جانور امیونٹی نہیں رکھتا ٹھیک ہے جی ماں کو ویکسین نہیں ہوئی بچہ پیدا ہو گیا اب اس بچے کو اگر تو آپ کے علاقے میں لمپی ہے ہم نے ڈاکٹر صاحب دوسرے دن پہ لمپی کی ویکسین کروائی ہے دو دن کے بچے کو کچھ ہمارے دوست فارمر ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1 دن کے بچے کو لمپی کی ویکسین کروائی ہے اور الحمدللہ ٹھیک رہے ہیں کوئی بچے کو ایسا مسئلہ نہیں ہونا بچے کی امیونٹی ہوتی نہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے وہ ریکوری پہ نہیں آتا اور ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے فیڈنگ کے حوالے سے یا ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے ہمیں بہت اچھی گائیڈ لائن دی مجھے اس میں صرف ایک پوائنٹ کلیئر کر دیں یہ جو مختلف کارپوریٹ سیکٹر میں ملک ریپلیسر یوز ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک ریپلیسر دینا چاہیے یا جو مدر کا نیچرل ملک ہے وہ زیادہ ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب اگر تو صحیح پوچھیں تو ریپلیسر دینا چاہیے کوسٹ ایفیشینٹ ہے میں دو بتاتا ہوں بات ذرا غور سے سنیے گا یہ بات پوری سنیے گا آپ دینا تو دراصل ریپلیسر چاہیے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ نیوٹریشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیماریاں دودھ سے پھیلتی ہیں نا ملک بونڈ بیماریاں وہ آپ کے بچے کو نہیں ہوتی کاسٹ افیکٹو بھی ہے میں حساب لگا رہا تھا ایک فارم ہے 4000 کیٹل کا وہاں پہ میں نے ملک ریپلیسر کا اور دودھ کی کاسٹ کا فرق نکالا تھا تو کچھ 1.25 کروڑ بن گیا تھا سال کا اتنا فرق نکلتا رہا جتنا نمبر آف اینیمل ڈاٹ سے 4000 کیٹل پہ تقریباً ان کے پاس سالانہ کوئی بچے تھے کچھ 1400-1500 سالانہ بچوں پہ اچھا اب ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے میں اپنے فارم پہ ریپلیسر استعمال نہیں کرتا آپ کہیں گے یہ میں نے عجیب بات سنا دی ہے اچھا وہ ہے لیکن استعمال نہیں کرتا مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس چھوٹے فارمر ہیں کسی کے پاس 100 گائیاں کسی کے پاس 150 اب ان کے پاس وہ مینجمنٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس مسائل کیا ہیں ریپلیسر کے نمبر 1 ٹیمپریچر مینٹین ہونا چاہیے مکسر کی نمبر 2 اچھا مکس ہونا چاہیے اگر یہ پراپر مکس نہیں ہوا کالک ہوا بچے کو پیٹ میں درد پھڑک کے گیا اگر اس کو پراپر ٹیمپریچر پہ نہیں دیا ڈائری ہوا تب مسئلہ تو ہم جو 60000 کا دودھ پلاتے ہیں بچے کو ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں ریپلیسر سے میرا فارمر اگر 15000 بچا لیتا لیکن اگر ایک بچی اس کی مر جاتی ہے کالک کی وجہ سے یا ڈائریا کی وجہ سے کیونکہ مجھے پتا ہے فارمر کے لیے مینیج کرنا آسان نہیں ہے تو بچی آج کی پیور بریڈ کی 1 دن کی 2 لاکھ کی ہو گئی ہے اس کا سارا تو اس لیے نفع نقصان بن جاتا تو یہ اس لیے ہم نا ریفر نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ فارمر نے توجہ کم کی لیبر نے توجہ کم کی بچے ڈائریا میں چلے گئے ایکسپائری نہیں ہوئی بچ بھی گئے ڈاکٹر صاحب یہ سٹنٹڈ گروتھ میں جائیں گے ڈائریا والا بچہ جو ہے نا لائف ٹائم جس کو زندگی میں پہلے 15 دن میں ڈائریا ہو جائے وہ کبھی اپنی لائف میں پوری پروڈکشن نہیں دے پاتا یہ آگے پروڈکشن کا نقصان بھی کرے گا نمبر 2 اگر اس کی ایج آف پیوبرٹی 1 مہینہ لیٹ آتی ہے تو یہ ساری کثر پیسوں کی وہاں نکل جاتی ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب ہم مجبوری کے عالم میں کیونکہ چھوٹے فارمر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے مجبوری بن جاتی ہے ہماری کہ اس کو دودھ پہ ہی رکھتے ہیں دودھ تازہ آتا ہے ساتھ ہی پلا دیتے ہیں بچے بھی خوش فارمر بھی خوش گروتھ بھی بہترین آ جاتی ہے تو اس لیے ہم اس سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں ادروائز اگر آن ریکارڈ بات کی جائے یا اگر سائنٹیفکلی بات کی جائے تو وہی بات پہلے کہ ریپلیسر کے ایڈوانٹیجز ہیں لیکن ہمارا فارمر جو ہے اس کی مینجمنٹ پراپر نہیں کر پاتا ٹھیک ہے اس میں میرا آخری کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب ویننگ کا جو کرائیٹیریا ہے ویننگ کا کرائیٹیریا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے وزن کے یا ہائٹ کے حساب سے کرنا چاہیے یا ایج کے حساب سے کرنا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنا کرائیٹیریا بتا دیتا ہوں ہمارا کرائیٹیریا جو ہم نے سیٹ کیا ہوا اپنے لیے ہر فارم کا ڈاکٹر صاحب اپنا سیٹ کرائیٹیریا آپ کو ہر فارم کے اوپر نا ڈفرینٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اتنی ایج ہونی چاہیے اتنا ون ڈے کا انٹیک ہونا چاہیے برتھ ویٹ کا ڈبل ہونا چاہیے یہ اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں ہم نے اپنے فارمس کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے کہ گرمی کے موسم میں 100 کلو سردی کے موسم میں 115 کلو 3 مہینے عمر ٹھیک ہے جی ہم منیمم 3 مہینے ہم 3 ماہ سے نیچے ہم ویننگ نہیں کرتے
कुछ लोग कोशिश करते हैं कि 2.5 माह पे वीनिंग कर दें वेट लेके, लेकिन वो 15 दिन का जो दूध बचता है, जो पैसे बचते हैं, वो अगर आप लॉन्गर रन में देखें ना, आगे जाके बच्चे का जो पूरा पोटेंशियल है और जो एज ऑफ प्यूबर्टी है, कंसेप्शन है, ये सारी चीज़ें बाद में बैलेंस हो जाती हैं। तो हमारा सिंपल क्राइटेरिया ये है कि वज़न और हमने उम्र रखी हुई है। जो बच्चा आपका 100 किलो पे जाएगा ना, हाइट भी अपने आप ही बेहतर कर लेगा। जो 115 किलो पे सर्दी में वेंटन होगा, उसकी हाइट ऑटोमेटिकली एक फिक्स फिनोमिना है। बच्चा ऐसे नहीं हो सकता कि हाइट ना निकाले वजन ले जाए, ऐसा नहीं होगा। छोटा बच्चा वजन के साथ ही हाइट लेता है। तो हमने ये दो पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि कम से कम 3 महीने उम्र, सर्दी के मौसम में 115 किलो, गर्मी के मौसम में 100 किलो। बर्थ वेट चाहे उसका अगर 35 किलो है, 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो है, बाद का छोटे बच्चे आ जाते हैं 22-23 किलो के, हम 15 दिन दूध इजाफे पिला देते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बाद में वही बच्चा जो है ना, आपको बाकी बच्चों के साथ बराबर रिस्पॉन्स दे रहता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये बच्चों के हवाले से सेशन हो गया जी, बाकी सवाल जो है इसको हम अगले सेशन में कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।